लगातार समाचार बटुए नोखा से रिपोर्टर बानी मंटू कुमार चंद्रवंशी जी। खबर के हेडलाइन सुनी, नोखा बस स्टैंड के पास कचरा फेंके से बदबू से आवे जाए वाला लोग हो रहा बड़न परेशान। खबर का बा विस्तार से जानी, नोखा नगर परिषद नोखा बस स्टैंड के पास कचरा फेंके से आवे जाए वाला लोग के कठिनाई हो रहा बा, लोग गंदगी में जिए के मजबूर बड़न। हालांकि नोखा नगर परिषद में कूड़ा डंपिंग खातिर निर्माण जगह के कैल गई बा, लेकिन नगर के सफाई कर्मी के मनमानी के चलते लोग परेशान बने। लोग के कहना बटुए कि बार बार मना कैला के बाद भी सफाई कर्मी कूड़ा फेंके से बाज निखन आवत, और तो और बोलला पर कहते रहे कि रौरा जहाँ शिकायत करे के बा कर सकीला। रौरा वीडियो में देख सकतनी कचरा ही कचरा नजर आवल बा। एकरा पर कौनो नोखा नगर परिषद के पदाधिकारी के ध्यान नहीं के, बता दी कि लगातार ये शिकायत मिल रहा बटुए कि नोखा में जौन बटुए बस स्टैंड के पास लगातार कचरा फेंकल जा रहा बा। ये बस स्टैंड के पास लोग हजारों के भीड़ प्रत्येक दिन हजारों के भीड़ आवती है जाती है, सबके गंदगी या बदबू से दू चार होखे के पड़ता है। आ ऊपर से जब बात कल जाता तो कहता लोग कि जहाँ शिकायत करे के बाद तहाँ करी बताई, इतना बड़ मनमानी। सुशासन के सरकार दम्ब भरतिया कि सुशासन के सरकार बटुए, यह सरकार में कहीं से भी बद इंतजामी ना होई, लेकिन इस दृश्य देखला के बाद ऐसा लगता है जैसे एजा के पदाधिकारी मनमाना ढीठ हो गई बड़ा। कार्रवाई के कबो इनका पो तलवार नहीं खे लटकल, इनका सुशासन के डर नहीं खे, इनका प्रशासन के डर नहीं खे। ये पो नगर परिषद के भी संज्ञान लेवे के चाही, भारी मात्रा में गंदगी के अंबार लगल बा, लगातार ये फेंक दिया जा रहा बटुए। भोजपुरिया समाचार हमेशा खबर के प्राथमिकता देले बटुए, ये बार भी देखा रहा बा जौना तरीका से कचरा फेंकल बा। कचरा देखला के बाद ऐसा लगता जैसे कि कूड़ा के अंबार और साथे साथ गंदगी के अंबार, दुर्गंध के अंबार, जितना भी विश्लेषण कल जाओ वो कम लगता है। ये पोचाही नगर परिषद के की तत्काल संज्ञान लेके एकरा के सफाई के व्यवस्था करावल जाओ, ताकि आवे जाए वाला लोग के परेशानी के सामना ना करे के पड़े। भोजपुरिया समाचार लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करब। धन्यवाद।